हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो अरे काफ़ी यूट्यूबर दोस्तों का मुझसे ये सवाल था कि हम अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहाँ से लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब से ही कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लेने का तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक की पहचान क्या है। तो इस आसान से तरीके को जानने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन का बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यूट्यूब से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लेने का तरीका और कॉपीराइट फ्री म्यूजिक की पहचान आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर वन है कि आपने अपने फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में यूट्यूब एप्लीकेशन को या यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार पे क्लिक करना है। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने कुकिंग वीडियो बनाई है, तो कुकिंग वीडियो के लिए मैं यहाँ पर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक जो है निकालने वाला हूँ। आप अपने कॉन्टेंट के हिसाब से सर्च कर लीजिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुकिंग वीडियो म्यूजिक, और यहाँ पर लिखने के बाद लिखूंगा कुकिंग वीडियो म्यूजिक नो कॉपीराइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे कीवर्ड भी आ गया कुकिंग वीडियो म्यूजिक नो कॉपीराइट। तो इस पे मैं यहाँ पर लिख के सर्च करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कुकिंग वीडियो नो कॉपीराइट म्यूजिक हजारों तरह के आ जाएंगे। तो इसकी आपने पहचान करनी है। वैसे तो ये सारों ने लिखा हुआ है कि नो कॉपीराइट म्यूजिक फॉर कुकिंग वीडियोस, नो कॉपीराइट म्यूजिक फॉर कुकिंग वीडियोस। तो आपने पहचान कैसे करनी है कि ये म्यूजिक जो है वो कॉपीराइट फ्री है या कॉपीराइटेड है। तो आपने इस म्यूजिक पे फॉर एग्जाम्पल इसी वीडियो पे आपने क्लिक कर लेना है। इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है इसके डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में कैसे जाना है, आपने यहाँ पर लिंक पे क्लिक करना है, इसके टाइटल पे क्लिक करना है और इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, इसके डिस्क्रिप्शन को रीड करना है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, क्रिएटिव कॉमन अटेंशन लेसन्स, यानी कि इसे कोई भी यूज कर सकता है, री यूज अलाउड इसने लिखा हुआ है। तो यानी कि आप इस म्यूजिक को यूज कर सकते हैं अपनी कुकिंग वीडियोस के लिए। तो यहाँ पर मैं एक और म्यूजिक को ओपन कर लेता हूँ, इस वीडियो को प्ले कर लेता हूँ और इसे भी मैं स्टॉप कर लेता हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं इसके टाइटल पर क्लिक करके। तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है। अगर ये कॉपीराइटेड म्यूजिक होगा तो यहाँ पर जो नीचे बॉक्स है व्हाइट व्हाइट है, जो यहाँ पर असली ओनर का नाम और असली एल्बम नेम लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने जिस ओनर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए, जिसकी डिटेल लिखी हुई आ जाए, आपने उस म्यूजिक को यूज नहीं करना क्योंकि असली ओनर का नाम वीडियो के ऊपर, वीडियो तो उसने अपलोड की हुई है, बट असली ओनर का नाम जब नीचे लिखा हुआ आएगा तो आप समझ लेना कि वो कॉपीराइटेड म्यूजिक है। कॉपीराइटेड म्यूजिक की यही पहचान है। तो कॉपीराइटेड म्यूजिक की पहचान मैंने आपको बता दी और ये भी बता दी कि आप अपने कॉन्टेंट के लिए यूट्यूब से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कैसे ले सकते हैं। बट मैंने डाउनलोड करने का नहीं बताया था, आप यूट्यूब से ही कोई ना कोई वीडियो देख के म्यूजिक्स को डाउनलोड करने का तरीका जान सकते हैं। बट मेरी जो वीडियो का टॉपिक था वो यही था कि यूट्यूब से ही अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए नो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहाँ से लें और कॉपीराइट फ्री म्यूजिक की पहचान क्या है। तो वेल आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।